उनके पास उनका लाना पड़ेगा ऐसा बोले कि उनके जो दलाल हैं अनुरुद्ध पांडे बोले कि 1,00,000 रुपये ले आए साहब, तो हमने सर 20,000 रुपये दे दिया था और फिर आज 80,000 रुपये कब से पीड़ित थे आप? हम सर साल भर से सारे लोग हमारे अधीक्षक जितने हैं 113 पोस्टल हैं पूरे जिला में सबसे ये कलेक्शन करवाते थे। अनुरोध पांडे है उसके डायरेक्टर थे सर, सारे लोग परेशान रहे इस वजह से मजबूर होकर के हमको कानून का सहारा लेना पड़ा और नहीं तो हमने सोचा कि सुसाइड कर लूँ इसको। अच्छा फिर हम सर गए आपके रीवा लोकायुक्त कार्यालय, इसके बाद वहाँ हम SP साहब से मिले, इसके बाद फिर TI साहब हमारे जिया है हक साहब मदद किए तब यहाँ पांडे हॉस्टल अधीक्षक हैं सिंहावल में, इनके द्वारा शिकायत ली गई थी कि सहायक आयुक्त राजेश सिंह परियार और दूसरे जो एक अधीक्षक हैं अनिरुद्ध प्रसाद पांडे उनके द्वारा ट्रांसफर का भय दिखाकर 1,00,000 रुपये की मांग की जा रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में पूरे अधीक्षक मौके से की थी। उनके निर्देश पर कार्रवाई की गई और 20,000 रुपये आवेदक द्वारा भय दे दिए गए, 80,000 रुपये देते हुए आज आरोपियों को उनके निवास स्थान पर ट्रैप किया और ट्रैप करने के पश्चात टारगेट हाउस लगाकर कार्रवाई की जा रही है और जो नाम आगे आएंगे उनके खिलाफ। सर अभी तक कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें अभी राजेश सिंह परिहार सहायक आयुक्त अजाक के और दूसरे अनिरुद्ध प्रसाद पांडे जो उनके साथ काम करते हैं वो अधीक्षक और सब अधीक्षक हैं। सर इस पूरे मामले में अनिरुद्ध सिंह की क्या भूमिका थी? सर अनिरुद्ध सिंह राजेश सिंह परिहार के साथ काम कर रहे हैं, पैसे का लेन देन करने में सहायता करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।